देखिए क्या है आपका कि ये आपका हो गया आपका रियल लाइन ये हो गया आपका ज़ीरो। तो रियल लाइन पे हमने रेडियन फाइंड कर लिया, वन रेडियन। इसको आप फिर कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा आपका, टू रेडियन, थ्री रेडियन, हाफ रेडियन, वन रेडियन, टू रेडियन, थ्री रेडियन, इस तरीके से। या फिर डिग्री भी आप फाइंड कर सकते हैं। पाई रेडियन क्या होता है आपका, 180 डिग्री। तो आप क्या है, जैसे 30 डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री क्या होगा आपका, पाई बाई 6 रेडियन। तो यहाँ पे क्या है आपका कि आप इसको रेडियन, रियल लाइन को आप रेडियन और डिग्री के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसमें सबसे फर्स्ट मैं लेता हूँ साइन फंक्शन। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स या साइन थीटा जो भी ले सकते हैं आप, y इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है आपका साइन फंक्शन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर इसका डोमेन रेंज पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप x की वैल्यू आप ले सकते हैं कि मैं थोड़ा सा डिस्क्रीट वैल्यू लेता हूँ ताकि ग्राफ थोड़ा सा इजी वे पे फाइंड आउट कर सकें। ये मैंने ले लिया x और ये ले लिया मैंने साइन एक्स। x लिया 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होगा आपका, 0। x लिया मैंने पाई बाई टू मीन्स रेडियन फॉर्म में या फिर 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1। साइन पाई क्या होगा आपका, 0। फिर 3 पाई बाई टू क्या होगा आपका, -1। फिर 2 पाई क्या होगा आपका, 0। फिर आपका 5 पाई बाई टू फिर क्या होगा आपका, 1 होगा। इधर लेफ्ट साइड देखें तो -π/2 साइन माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। साइन -90 क्या होगा आपका, -1। -π क्या होगा आपका, 0। -3π/2 क्या होगा आपका, 1। और भी ले सकते हैं, -2π क्या होगा आपका, 0। -5π/2 क्या होगा आपने, मैंने क्या किया पाई बाई टू के रेगुलर इंटरवल में लिया है, ये हो गया आपका माइनस। और भी ले सकते हैं आपने, ये आपका एक्स हुआ और ये हो गया वैल्यू ऑफ साइन एक्स। अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें पहले। ये सारे रेडियन में है तो इसको हम रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका रियल नंबर हुआ और ये भी आपका रियल नंबर हुआ। ये हो गया आपका 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन जो भी हो, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2π रेडियन, 5π/2 रेडियन, 3π रेडियन, 7π/2 रेडियन। ये पॉजिटिव वे हुआ आपका। नेगेटिव वे में देखिए क्या होगा, -π/2 रेडियन, -π रेडियन, -3π/2 रेडियन, -2π रेडियन, -5π/2 रेडियन, -3π रेडियन, -7π/2 रेडियन। तो ये जो है वो आपका रियल नंबर है। रियल नंबर पे मैंने रेडियन को रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है आपका, यहाँ पे रियल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ये रेडियन फॉर्म है रियल नंबर और ये नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होगा, डिस्टेंस आपका यूनिट हो गया आपका, ये हो गया आपका -1 हो गया आपका। तो देखिए क्या है, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या है आपका, 0। रेडियन में लेंगे तो रेडियन में हो जाएगी। साइन 0 क्या हो गया आपका, 0। 90 क्या हो गया आपका, साइन 0 हो गया 0।
साइन 90 क्या हो गया आपका, 1 हुआ। साइन पाई क्या मिला आपको, 0। फिर 3π/2 क्या होगा आपका, -1। 2π क्या हो गया, 0। 3π/2 क्या हो, 5π/2 क्या हो गया आपका, 1। फिर आगे कंटिन्यू होगा, फिर क्या होगा, 0। और फिर 7π/2 क्या होगा आपका, -1। तो देखिए इसका राइट ग्राफ किस तरीके से हो रहा है, आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से आप फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो ये आपको इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट आपको ग्राफ मिलेगा। इस तरीके से आपने फ्री हैंड ज्वाइन किया इसको आपने, लेफ्ट साइड की पोजीशन भी सेम होगी, बस आपका साइन चेंज हो जाएगा। -90 पे क्या हो रहा है आपका, -1। -π पे क्या होगा, 0। 3π/2 पे क्या होगा, 1। 2π पे क्या होगा आपका, 0। -5π/2 पे क्या होगा, -1। 3π पे 0। -7π/2 पे क्या होगा, 1। तो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ये इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यू होगा फिर आगे भी, रही इनक्रीज, आप इस तरीके से आपको एक वेव मिलेगा आप इस तरीके से कंटिन्यूसली आपका वर्क करेगा। तो अब आप देखेंगे कि ये इसका जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। डोमेन क्या है, फॉर एवरी रियल नंबर, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, रियल लाइन है आपका। एवरी वैल्यू पे क्या मिल रहा है आपको, साइन एक्स आपका डिफाइंड हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे आपको हाइट मिल रही है, ये हो गया आपका डोमेन। ये वाई एक्सिस तो रियल नंबर है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, कोडोमेन। ये कोडोमेन हो गया आपका रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। और रेंज देखिए, साइन का जो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया आपकी, -1। ये -1 है साइन का, ये मिनिमम वैल्यू है आपका, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू। बाकी वैल्यू क्या है आपका, बिटवीन वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू क्या है आपका, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही, -1 to +1। तो ये होगा आपका रेंज, दैट इज इसका रेंज क्या होगा आपका, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया आपका y=sin(x) फंक्शन, ये इसका होगा आपका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, और रेंज क्या होगा आपका, -1। देख लीजिए इसको, अपन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म देख रहे हैं अपन, y=cos(x). देखिए क्या है आपका, cos 0 क्या होगा आपका, इस तरीके से जैसे हमने साइन का ड्रॉ किया, पैरेलल कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। cos 0 क्या होता है आपका, 1। cos 90 क्या होगा, 0। cos पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, -1। 3π/2 क्या होता है, 0। 2π क्या होगा आपका, 1। 5π/2 क्या होगा आपका, 0। और 3π क्या होगा आपका, -1। cos माइनस थीटा आपका क्या होता है, cos ऑफ -θ = cos θ। तो इसमें आपका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आपका पाई पे ग्राफ है वो आपका -π पे ग्राफ होगा आपका, माइनस जो पाई पे वैल्यू है वो -π पे भी वैल्यू होगा। तो ये आपका ये साइन चेंज नहीं होगा आपका। -90 पे क्या होगा, 0। -π पे क्या होगा आपका, -1। -3π/2 पे क्या होगा, 0। -2π पे क्या होगा आपका, 1। -5π/2 पे क्या होगा, 0। और -3π पे क्या होगा, -1। इस तरीके से आप एक डेटा यूज़ कर रहे हैं। फिर आप क्या देखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें अपने, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो गया आपका रियल नंबर, ये रियल नंबर है। यहाँ पे मैंने इसमें रेडियन फॉर्म यूज़ किया, और इसमें जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, ये हो गया 0, ये π/2, ये क्या हो गया आपका पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, आगे ले सकते हैं 7π/2।
ये होगा आपका माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू। नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गई वैल्यू वन और ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस वन पे। देखिए कॉस जीरो क्या मिला आपको, वन, कॉस जीरो हो गया वन, कॉस नाइन्टी क्या हो गया ज़ीरो, कॉस पाई क्या हो गया आपका माइनस वन, थ्री पाई बाई टू फिर ज़ीरो, टू पाई फिर क्या होगा आपका वन, फाइव पाई बाई टू ज़ीरो, थ्री पाई माइनस वन फिर ये ज़ीरो। तो इस तरीके से राइट ग्राफ इसका इस तरीके से फॉर्म होगा आपका। लेफ्ट फॉर्म जीरो, फिर माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन और फिर जीरो। तो ये इसका आपका लेफ्ट ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ क्या होगा आपका, कंटिन्यू होगा, एंडलेस ग्राफ है आपका। डोमेन क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर, ईच रियल नंबर पे फंक्शन आपका डिफाइन है। तो इसका जो डोमेन हो गया आपका, इसका डोमेन फॉर एवरी रियल नंबर है। रेंज कोडोमेन, ये कोडोमेन होगा आपका, कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर वाई एक्सिस, कोडोमेन आपका रियल नंबर। रेंज यहाँ पे जो जो साइन का था माइनस वन टू वन, यहाँ भी ग्राफ क्या हो रहा है आपका, माइनस वन टू वन ही लाई कर रहा है। इसके आपका यहाँ इसके ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ पे माइनस वन से नीचे आपका कोई ग्राफ नहीं है आपका। तो इसका जो रेंज क्या होगा आपका, माइनस वन टू वन। रेंज का मतलब क्या होगा, कॉस की वैल्यू जो है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या साइन थीटा का जैसे लिखे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन टू वन, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन टू वन। तो ये इसका आपका रेंज हो गया। तो कॉस एक्स का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज देख लीजिए इसको। देखिए ये एक्चुअली में क्या है, एक रफ मेजरमेंट है, क्योंकि देखिए ये जो लेंथ है वो वन यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, वन यूनिट हो गई, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हो गई आपकी, पाई, पाई यानी 3.14 समथिंग। तो इस लेंथ का यहाँ से क्या हो गया, थ्री टाइम्स होगा। तो ये तो मैंने रफली ग्राफ बनाया है, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे अब अपने ग्राफ पेपर पे, तो ये इस तरीके से आएगा। ये लेंथ हो गया आपका वन, इसका क्या होगा थ्री टाइम्स, वन टू थ्री, ये होगा आपका पाई। जब आप अपने ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये इस तरीके से होगा आपका, ये इस तरीके से हो रहा है, ये क्या होगा आपका पाई, फिर ये क्या होगा आपका पाई बाई टू। जब आप इसको एग्जैक्ट बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा, यानी ये जो लेंथ होगी इस लेंथ का ये क्या होगा आपका थ्री टाइम्स होगा। तो ये ग्राफ कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, देखिए इस तरीके ऐसा करके आएगा ग्राफ, इस तरीके से होगा आपका ग्राफ। तो मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप अपने ग्राफ पेपर पे करेंगे तो सटीक ग्राफ आपको मिलेगा। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, वाई इक्वल टू टेन एक्स। टेन एक्स में देखिए एक्चुअली में क्या है, जैसे अपन टेन नाइन्टी की बात करें, जब आप क्वाड्रेंट लेते हैं आप, यहाँ पे क्या होगा ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा साइन, साइन और कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, ये वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होगी आपकी। और यहाँ पे क्या होगा आपका टेन एंड क्या होगा कॉट, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होगा आपका सी, सी यानी कॉस और सेक, कॉस पॉजिटिव और आपका सेक पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, पॉजिटिव होती है आपकी। अब क्या है, जैसे अपन देखते हैं टेन, तो टेन नाइन्टी में एक प्रॉब्लम आती है। देखिए क्या होता है, जैसे हम लेते हैं टेन नाइन्टी प्लस थीटा, तो टेन नाइन्टी प्लस थीटा ये जीरो डिग्री हो गया आपका, ये नाइन्टी डिग्री हो गया आपका, ये पाई
और ये 3π/2, ये वापस क्या होगा आपका 2π। तो जैसे अपन देखते हैं tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका, ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 हुआ प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका tan 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस cot थीटा, ये होती है वैल्यू आपकी। और tan 90 माइनस थीटा ये कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा होता है आपका प्लस cot थीटा। अब अपन यहाँ पे 90 डिग्री पे बात करते हैं कि 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल अपन क्या देखते हैं कि tan 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट होगी, यानी प्लस इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है आपका, नॉट डिफाइन है। तो यहाँ पे जैसे अपन देखते हैं tan 90, तो 90 पे वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस जीरो, ये ले सकते हैं tan 90 माइनस जीरो। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, cot जीरो, ये वाली वैल्यू होगी आपकी cot जीरो। cot जीरो क्या होती है आपकी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे tan 90 को मैं 90 प्लस माइनस जीरो भी यूज़ कर सकते हैं और 90 प्लस जीरो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो tan 90 प्लस जीरो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं 90 को, तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, माइनस cot थीटा, यानी ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपका, माइनस cot जीरो। तो माइनस कॉट जीरो क्या होता है आपका, कॉट जीरो क्या हो गया, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो ये होता है माइनस इनफाइनाइट। तो वो ये एक दिक्कत है कि क्या होता है कि tan 90, एक्चुअली में tan 90 पे दो वैल्यू लेगा ये, 90 से पहले लेंगे तो क्या होगा आपका, 90 माइनस जीरो। इसको आप कैसा यूज़ कर सकते हैं, tan पाई बाई टू माइनस, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, तो 90 से पहले होगा तो ये वैल्यू आएगी आपकी प्लस इनफाइनाइट। और tan 90 की वैल्यू जब आप ऐसा लिखेंगे tan 90 प्लस जीरो, तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट हो गई आपकी 90 के बाद, तो 90 प्लस क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट। तो इसी के कारण ग्राफ जो होता है उसका चेंज हो जाता है आपका, ग्राफ की हाइट देखेंगे ड्रॉ करके, तो सेम जो बिहेव होगा वो 3π/2 पे होगा। देखिए 3π/2 पे, 3π/2 से माइनस लेंगे, जैसे 90 से माइनस लिया आपने तो प्लस इनफाइनाइट, तो 3π/2 से माइनस लेंगे तो क्या होगा, सेम बिहेव होगा इसका, वो भी क्या होगा आपका, प्लस इनफाइनाइट। और 3π/2 से प्लस लेंगे आप तो वो भी क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट। सेम 5π/2 पे होगा, 7π/2 पे होगा। तो अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पहले क्या है कि यहाँ पे एक नॉर्मल डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर अपन कंपेयर करेंगे तो अपने को वैल्यू ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका tan x, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यहाँ पे tan 0 क्या होता है आपका, 0। tan 30 डिग्री क्या होगा आपका, 1/√3, 1/√3 होगा। tan 45 क्या होगा, 1। tan 60 वैल्यू क्या होगी आपकी, tan, अभी रेडियन में नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ डिग्री में ले रहा हूँ यहाँ पे। tan 60 डिग्री क्या होगी, √3। तो जब 90 पे जाएंगे वो एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 90 माइनस लेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस या प्लस इनफाइनाइट। और इसके जस्ट बाद वैल्यू, जैसे आप लेते हैं 90 प्लस इनफाइनाइट, तो 90 प्लस जीरो, तो ये क्या होगा, रिसेंट क्या होगा, देखिए वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, उसके बाद फिर वैल्यू इनफाइनाइट पे ब्रेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन है।
तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जस्ट वैल्यू माइनस में क्या होगा, ये माइनस में क्या होगा आपका, जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर माइनस इन्फाइनाइट, ये होगा आपका वैल्यू। उसके बाद फिर क्या है, जैसे आप लेते हैं 10 120 120, यानी 10 120 क्या होता है आपका, निकाल सकते हैं आप, 120 क्या होगा आपका 10 90 प्लस 30, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका माइनस कॉट 30, यानी क्या होगा -√3। तो ये वैल्यू क्या होती है, वहाँ से क्या होगी ब्रेक होके ये जस्ट क्या होगा आपका वैल्यू क्या होगी नीचे आ जाती है, और ये फिर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। आप ग्राफ में देखेंगे 120 पे क्या होगा फिर -√3। इस तरीके से ये वैल्यू सेम जो वैल्यू है, जैसे आप 10 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, 10 माइनस थीटा की वैल्यू होती है -10 थीटा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या होगी नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे यहाँ पे इसका माइनस साइन डाल दिए तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस साइन डाल दिए तो प्लस इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 10 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी -10 थीटा। अब अपन क्या करते हैं, इसकी डिस्क्रीट वैल्यू लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी अपने को और ग्राफ भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो जो चीज़ 90 में होगा वही क्या होगा आपका 3π/2 में, और वही चीज़ 5π/2, यानी π/2 का जो ऑड मल्टीपल है सेम बिहेव होगा 10 का। इसका ग्राफ देख लें यहाँ पे, ये हो गया आपका 0 रेडियन में ले रहे हैं, रेडियन में ले लीजिए 0 रेडियन, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका tan x। तो tan 0 क्या होगा 0, 90 पे ये दो वैल्यू लेगा, 90 पे यहाँ पे दो वैल्यू होगी आपकी, एक तो 90 माइनस 0 एंड क्या होगा 90 प्लस 0, यहाँ पे दो वैल्यू लेगा, 10 90 माइनस 0 क्या होगा आपका प्लस इनफाइनाइट, फिर रिसेंट क्या होगा माइनस इनफाइनाइट होगा, वैल्यू क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, फिर 10 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, फिर 3π/2 पे, फिर 3π/2 माइनस 0 पे क्या होगा फिर आपका सेम बिहेव होगा जो 90 प्लस 0 पे हो रहा है, तो ये फिर क्या होगा आपका इनफाइनाइट, और 3π/2 माइनस प्लस 0 पे क्या होगा फिर से माइनस इनफाइनाइट, फिर ये आपका 2π पे फिर क्या होगा 0। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, इसमें आप माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा क्या होता है आपका -10 थीटा। तो मैं यहाँ पे लूँगा आपको, ये 90 पे वैल्यू है, ये 3π/2 पे, यहाँ पे दो वैल्यू होगी आपकी, तो -90 -0, इसमें आपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इनफाइनाइट, फिर 90 प्लस 0 का माइनस साइन, तो ये क्या होगा आपका प्लस इनफाइनाइट, फिर माइनस पाई का क्या होगा फिर आपका 0। इस तरीके से लेफ्ट साइड भी कंटिन्यू होगा, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपका है 0 रेडियन, यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2, और आगे ले सकते हैं आप 2π, 5π/2, ये पॉजिटिव वे पे हो गया, ये हो गया आपका -90, -π, -3π/2, -2π, -5π/2। देखिए 90 पे तो खैर वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया इस लाइन का, हालांकि ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन ये अपने वो ग्राफिकली जो अप्रोच होता है वो अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है यहाँ पे कि किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ग्राफ आपका। तो इसलिए मैंने यहाँ से इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया डॉट डॉट, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। ये हो गया आपका,
देखिए जीरो से ये 90 से पहले वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी, प्लस इनफाइनाइट। तो जीरो से इनफाइनाइट वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। जैसे जीरो पे जीरो हो गया, फिर यहाँ 45 होगा, 1 होगा, फिर वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा आपका जीरो से। इसको आप क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे ना, इस लाइन पे टच नहीं करेंगे, ये इमेजिनरी लाइन है। 90 पे क्या होगा आपका फंक्शन, क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। इस ये हो गया जीरो से इनफाइनिट, इंक्रीज हुआ ये जीरो से इनफाइनिट। उसके बाद फिर क्या होगा, रिसेंट डाउन हो जाएगा। इसके बाद फिर माइनस इनफाइनिट से जीरो फिर इंक्रीज होगा। जीरो से इनफाइनिट इंक्रीज हुआ, उसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनिट चले जाएगा, माइनस इनफाइनिट से जीरो फिर इंक्रीज होगा। तो ये इसका ग्राफ ये देखिए, ये फिर माइनस इनफाइनिट से जीरो, ये फिर इंक्रीज हुआ ग्राफ इसका। ये माइनस इनफाइनिट है आपका और ये है आपका प्लस इनफाइनिट। इसके बाद फिर जीरो से फिर इनफाइनिट, यानी ये ब्रांच क्या होगा, फिर से रिपीट होगा आपका। फिर से ये जीरो से क्या होगा आपका, प्लस इनफाइनिट, ये जीरो से इनफाइनिट हुआ। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से इसके जस्ट बाद 3π/2 से पहले क्या हो गया आपका, प्लस इनफाइनिट। फिर 3π/2 प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनिट। माइनस इनफाइनिट से जीरो फिर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, डाउन पोजीशन में इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया आपका। इसके बाद फिर से ये क्या होगा, रिपीट होगा। फिर ये जीरो से क्या होगा, फिर इनफाइनिट। सेम केस देखिए, फिर जीरो से माइनस इनफाइनिट से जीरो इंक्रीज हो रहा है, माइनस इनफाइनिट यानी जीरो से आप बोल सकते हैं माइनस इनफाइनिट डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। यदि आप लेफ्ट साइड चलें तो इधर से चलेंगे तो इंक्रीज, इधर से चलेंगे तो डिक्रीज हो रहा है। तो जीरो से क्या हो रहा है, फिर माइनस इनफाइनिट। तो जीरो से ये हो गया आपका माइनस इनफाइनिट, फिर क्या होगा, इनफाइनिट। तो माइनस 90 प्लस ये क्या होगा, माइनस 90 प्लस क्या होगा आपका, ये होगा आपका माइनस 90 प्लस क्या होगा आपका, फिर से ये इनफाइनिट होगा। फिर इनफाइनिट से क्या होगा, फिर जीरो। तो ये इनफाइनिट से फिर जीरो। इसके बाद जीरो से फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका माइनस इनफाइनिट। तो ये इस तरीके से ग्राफ क्या होगा इसका, आपका ड्रॉ होता है इसका 10x का। तो ये ब्रांच जो है वो ब्रांच क्या होगा आपका, रिपीट होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। बाद में इसका पीरियोडिक फॉर्म देखेंगे अपन, पहले अपन इसका क्या करेंगे, बेसिक फॉर्म देख रहे हैं, बाद में इसका पीरियोडिक फॉर्म देखेंगे किस तरीके से वेरी करता है। तो अब अपन बात करते हैं इसका डोमेन, ये क्या है, देखिए ये फॉर एवरी रियल नंबर है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो 90 पे डिफाइन नहीं है आपका, 3π/2 पे डिफाइन नहीं है, 5π/2 पे डिफाइन नहीं है, -π/2 पे डिफाइन नहीं है, 3π/-3π/2 पे डिफाइन नहीं है, -5π/2 पे डिफाइन नहीं है आपका। तो π/2 के ऑड मल्टीपल इस पे डिफाइन नहीं है। तो ऑड नंबर आप कैसे यूज़ करते हैं, 2n+1, ऑड नंबर यूज़ करते हैं 2n+1। तो 2n+1 π/2 पे क्या है आपका, 10, यहाँ पे वैल्यू ऑफ 10 क्या है आपका, डिफाइन नहीं है। तो इसका डोमेन क्या होगा, ये पूरा रियल नंबर है, लेकिन ये वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस पे फंक्शन क्या है आपका, नॉट डिफाइन है। इसका जो डोमेन जो हो गया आपका, इसका डोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर, लेकिन एवरी रियल नंबर नहीं है यहाँ पे। ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको, एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। फॉर एवरी रियल नंबर अदर देन 2n+1 π/2, ये हो गया इसका आपका डोमेन। कोडोमेन तो रियल नंबर होगा इसका, इसका कोडोमेन रियल नंबर है, रियल वैल्यू, रियल फंक्शन है करके। अब देखते हैं रेंज, रेंज ये कि इसकी हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, यानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जा रहा है इसका रेंज आपका। तो ये रियल नंबर क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, जीरो टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा आपका, इसका रेंज क्या है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये इसका आपका रेंज हो गया। तो ये होगा आपका वाई इक्वल टू 10x, इसका डोमेन आपका फॉर एवरी रियल नंबर होता है। और कोडोमेन, सॉरी डोमेन क्या होगा आपका, r-2n+1 π/2। n क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर, यहाँ पे n क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। ये होगा आपका r-2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये डोमेन हो गया आपका। कोडोमेन रियल नंबर, रियल फंक्शन है करके। और रेंज क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर।